टीचर्स, मेरा नाम है सचिन लंबा और मैं आज आपके लिए लेके आया टॉपिक, मेरा टॉपिक है यूनिट 5 से कैलकुलर फ्रीक्वेंसी। ये मेरा आज का टॉपिक है फ्रीक्वेंसी के लिए। यूनिक क्या होता है? हर एक बच्चा यूनिक होता है, हर एक क्लासरूम यूनिक होता है, हर एक टीचर यूनिक होता है। उसके बाद ही बनता है टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप। हर एक बच्चा अपने आप में अलग होता है, हर एक क्लास में अलग होता है, हर एक टीचर भी अलग होता है। जैसे कि जैसे एक सिंगल टीचर हर एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, वैसे हर एक बच्चा भी सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। उसके लिए हमें टाइम टू टाइम एडेप्टेशन करनी पड़ती है अपने सिलेबस में, अपने करिकुलम में। सिलेबस और करिकुलम ज़्यादा वो नहीं है, जैसे कि करिकुलम होता क्या है, जो अपना जैसे सिलेबस है नॉर्मल स्कूल में जो सिलेबस होता है कि आपको वन ईयर के अंदर और मैथ का ये टॉपिक कंप्लीट करना है, वही उसका करिकुलम हो गया। लेकिन जो स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए वो वाला करिकुलम सही नहीं होता। तो उनके लिए अलग से हमें मॉडिफाई और एडेप्टेशन करना पड़ता है ताकि वो भी उसकी नीड और कम्प्लीट नीड्स होते हो फुलफिल हो सके। तो बढ़ते आगे, तो ये इसकी आगे डेफिनेशन कैलकुलम एडेप्टेशन होता क्या है। कैलकुलम एडेप्टेशन एग्जिस्टिंग कैलकुलम टू मीट द लर्निंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी सो दैट दे कैन आल्सो एक्सेस द जनरल कैलकुलम। क्योंकि जो जनरल कैलकुलम होता है वो स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए सुटेबल नहीं होता, वो नीड्स को बिल्कुल नहीं कर पता। इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रन होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उसको एडेप्टेशन करते हैं ताकि वो भी अपने जो नीड्स होते हैं उनको भी मतलब पहुँच सके, वो अपने गोल्स तक पहुँच सके। और एक कोशिश की जाती है कि उस कैलकुलम के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके जनरल कैलकुलम में बच्चे को लाया जाए। ये इसका मेन उद्देश्य होता है कैलकुलम अडेप्ट करने का। अभी कैलकुलम जब बनाया जाता है, अडेप्टेशन किया जाता है, तो क्या क्या डिसीजन हम लेते हैं जो अडेप्टेशन करने के टाइम पे। आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव एंड एडिक्वेट गोल्स फॉर द स्टूडेंट्स, ये देखा जाता है कि कौन से गोल उसके अकॉर्डिंग सुटेबल होते हैं जो कि कैलकुलम पर अडेप्ट किए जाएंगे, ताकि वो बच्चा ऐसे मतलब कोई बच्चा है जो SLD का मतलब SLD से है कोई चिल्ड्रन, वो मैथ में उसको दिक्कत आ रही है सॉल्विंग के, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में सॉल्व करें, तो प्रेफरेंस अब ये क्या करें कि मल्टीप्लीकेशन के ज़्यादा करके थोड़ा मॉडिफाई करके ईजी लेवल दिया जाए या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। ऐसे भी कि कंबाइंड जो चल रहा है वही चलता है, उसको मॉडिफाई करके उसके लेवल पर लाया जाए। अब उसके बाद होता है डिफरेंट टू टीच, बट देन हाउ टू टीच ये भी देखा जाता है क्या वो सीखा, क्या हमें उसे सिखाना है, वो कैसे सिखाना है, ये भी डिसीजन लेते हुए कैरिकुलम जब बनाया जाता है तो ये भी ध्यान में देखा जाता है। हाउ मेनी इम्पैक्ट आउटकम ये भी देखा जाता है कि आज हम ये कैरिकुलम अडेप्ट कर रहे हैं तो कल को इसके परिणाम क्या आएंगे, अगर पॉजिटिव आते हैं तभी किसको अडेप्ट कर रहा है, नेगेटिव परिणाम को भी हम देखना पहले से उसको भी सोच के रखना होता है। स्टूडेंट स्पेसिफिक लर्निंग स्ट्रेटजी, लेसन स्पेसिफिक गोल्स, लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्निंग मटेरियल, सपोर्ट एंड सपोर्ट, यानी कि हर एक चीज़ को देखा जाता है, कैसे बच्चा सीख रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे हमें उसे पढ़ाना है, क्या उसके गोल होने चाहिए, क्या उसके लर्निंग मटेरियल होना चाहिए, क्या उसके सुपरविजन का अरेंजमेंट करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, हर एक चीज़ को जब देख के उसके बाद ही करिकुलम को अडेप्ट किया जाता है, करिकुलम अडेप्टेशन के प्रोसेस को शुरू किया जाता है। चलते इसके आगे स्ट्रक्चर और इंस्ट्रक्शन। देखो हम स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चे को, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो देखो इन चेंजिंग का डिलीवरी और टीचिंग स्टाइल इफेक्टिव, क्या वो जो टीचिंग हम दे रहे हैं और जो टीचर टीचिंग मतलब स्टाइल है जो हम दे रहे हैं बच्चे को, क्या वो सुटेबल है उसके अकॉर्डिंग है, कभी हम पढ़ाए जा रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहा, तो उसके लिए हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। इन चेंजिंग का स्ट्रक्चर अरेंजमेंट इफेक्टिव एग्जाम्पल्स, जैसे बच्चा पूरी क्लास तक 20 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं और वो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि बच्चे का ग्रुप कम किया जाए, स्मॉल ग्रुप में पढ़ाया जाए, क्वालिटेटिव ग्रुप पढ़ाया जाए कि पीयर्स के साथ जो उसके साथ है पीयर्स प्रोसेस ट्यूटर, यानी कि एक तो ये हो सकता है कि जैसे स्मॉल ग्रुप पढ़ाया जाए या फिर उसके जो सहपाठी है पीयर्स है उसके साथ उसका ग्रुप बढ़ा दिया जाए और उनसे वो रिलेट करके पढ़े, या फिर जो उसके हाई क्लास के बच्चे हैं ट्यूटर्स है जो हाई क्लास के उनके साथ उसका और मतलब ग्रुप बढ़ा दिया जाए ताकि वो पढ़ पाए। तो ये उसके क्या होते हैं इंस्ट्रक्शन के लिए हम अरेंजमेंट कर सकते हैं।
दिग्गजिक अवेशन फॉर्मेट कनेक्टिव टू इंक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड जब एक्टिविटी बेस्ड प्लेसमेंट जैसे अच्छा सीख नहीं पा रहा हमें सिखाना है कि बॉल कैसे पकड़ना है वो सीख नहीं पा रहा है लेकिन हम उसको कैच करके बॉल रियल ऑब्जेक्ट दिखा के वो खेल के प्ले वे में कैसे सिखा सकते हैं कई लोगों की एक्टिविटी बेस्ड से भी हम उसको सिखा सकते हैं इससे आउटकम मॉडिफिकेशन ऑफ द लेसन ये भी देखा जाता है क्या एरा मॉडिफिकेशन भी आउटकम आ रहे हैं अगर आ रहे हैं तो हमें एडेप्टेशन की कोई जरूरत नहीं होती ऐसे नहीं है कि कंपलसरी है मतलब करिकुलम को अडेप्ट करना कंपलसरी है मॉडिफाई करना कंपलसरी है अगर आउटकम आ रहे हैं फिर अडेप्टेशन की कोई जरूरत नहीं है कि हम उसको करें टोटल करके बाई टाइप के होते हैं अडेप्टेशन जैसे कि इनपुट इनपुट का मतलब होता है कि बच्चे को ग्राइंड करना अगर मतलब बच्चा देख के मारा विजुअल लर्नर ज़्यादा अगर विजुअल लर्नर है तो ज़्यादा से ज़्यादा है उसको क्या प्रोवाइड करें विजुअल चीज़ें प्रोजेक्ट के मेथड से करा सकते हैं इमेज के मेथड से पिक्चर के मेथड से वीडियो के मेथड से तो अगर वो उसकी अकॉर्डिंग अगर वो ऐसा ही मतलब वो क्या नाम है अगर वो मतलब जो ऑडिटरी लर्नर है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फिर हम कोशिश करेंगे कि सुनाई उसके लिए कुछ स्टोरी टेलिंग के हिसाब से उसे लर्निंग कराई जाए तो ये होगी इसके इनपुट में आउटकम में अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा तो हम लिखित में उसको मॉडिफाई ऐसे कर देंगे कि बच्चा लिख के बता दें कि क्या कहना चाह रहे हैं जो प्ले वे मेथड में बता दें कि मुझे क्या करना है अभी अगर वो बोल नहीं पा रहा तो उसके अकॉर्डिंग है एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप आउटकम आउटपुट के कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं टाइप अगर बच्चा मतलब सही धीरे धीरे कर रहा है तो उसको टाइप को मॉडिफाई कर देंगे जैसे नॉर्मल जो करिकुलम के अकॉर्डिंग 30 मिनट का अगर कोई सेशन है और बच्चा उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा तो हम उसको मॉडिफाई कर देंगे स्पेशल उस चिल्ड्रन के लिए कि आप बढ़ा दिया टाइम तो ये वो स्पीड अगर वो मतलब कर पाए तो ये एडेप्टेशन होता है अगर फास्ट करना तो डिक्रीज भी कर सकते हैं डिफिकल्टी अगर बच्चा नॉर्मल जो करिकुलम है उसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो हम उसके डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा कम कर देंगे उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए तो ये भी हो गया मॉडिफिकेशन टाइम वो डिफिकल्टी लेवल ऑफ सपोर्ट अगर सपोर्ट की मतलब ये है कि अगर बच्चा अकेला नहीं कर पा रहा तो हम उसके पीएस का सपोर्ट दे सकते हैं उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उसका सपोर्ट दे सकते हैं ताकि वो पढ़ पाए तो ये भी अडेप्टेशन है एक तरह से नॉर्मल था हमने पीएस का देख लिया पाया चल जाएगा साइज रिड्यूस नंबर ऑफ सब्स जैसे हमने 10 क्वेश्चन हर एक बच्चे को दिए करिकुलम में आपको होमवर्क है लेकिन वो बच्चा नहीं कर पा रहा तो हम उसको क्या कर देंगे साइज को रिड्यूस कर देंगे उसके लिए 5 क्वेश्चन रखेंगे बाकी के लिए 10 रखेंगे लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन डिमॉन्स्ट्रेशन स्टोरी टेलिंग अगर वो मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो हम उसको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से भी पार्टिसिपेट करा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें लें ताकि वो पार्टिसिपेट कर लें अल्टरनेट गोल्स भी उसके लिए मतलब चलते रहे मतलब ले रही है डिस्क्रिप्शन और स्टेटल का मैप बाई कलर जैसे कोई अगर हम यही कर रहे कि आपको मैप सिखाना है लेकिन उसके साथ साथ मैं अल्टरनेट गोल भी कलर भी करवा सकता हूँ उससे मैप के अंदर ही तो ये भी हो गया मॉडिफाई करा देना बोल को अगर वो मैप सीख नहीं पा रहा तो हम कह रही है तो कलर कर लो मैप के अंदर उससे भी वो सीख तो रहा है तो ये हो गया और सब्सिट्यूट करिकुलम जैसे फेस लाइन इंटरस लाइन टाइप जैसे उसको अलग से टाइप दे रहा हूँ सब्सिट्यूट कर दिया है हमने करिकुलम क्योंकि इस टाइप पर अलग नहीं करता है तो उसको अलग से टाइप दे दें और ये काम को करवाए जाएंगे ये होता है ये टाइप टाइप की होगी अभी याद रखना है हर एक बच्चा इस स्टूडेंट डिफ्रेंस के लिए हर एक बच्चा एबल होता है अलग तरीके से एंड स्टूडेंट नीड बेस्ट टू आई पी के बेस्ट पे अभी बच्चे की नीड्स को देख रहा है इंसिडेंशियल लर्निंग कर उसके बाद ही हम ये जो इंसिडेंशियल लर्निंग है ये आएगी लर्निंग आउटकम भी वेरी और जो लर्निंग आउटकम है वो भी उसके बाद ही आएगी हो सकता है वो ऊपर नीचे भी बोल लेकर आएगी एडिक्टेशन करेगा यानी कि यही है एडिक्टेशन करेगा थैंक यू।